ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थी, हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं। पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया अपमानित करने का काम किया और उसके अधिकार को छीनने का काम इंडी गठबंधन के घटक दल तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने छीनने का काम किया है, अधिकार को खत्म करने का काम किया है। ममता दीदी, आपकी तुष्टि करके राजनीति और नहीं चलने वाली है। 4 जून को जब बंगाल की जनता का जो मैंडेट आएगा, जिस प्रकार से रिजल्ट आएगा, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी NDA 30 से अधिक लोकसभा सीटों पर कमाल खिलाकर 400 सीटों से मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी दिन से आपका विदाय होना तय हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। राहुल गांधी ने कल एक कार्यक्रम में, जिसका कथित तौर पर नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, उसमें स्वीकार किया कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों का हक कांग्रेस सरकार मार रही थी। आप सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन सच तो सच होता है, वह तो सामने आ ही जाता है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो चाल, चेहरा और चरित्र है, तो देश की जनता के सामने एक बार फिर आने का काम किया है। और बहुत बड़ी आबादी, जो सबसे बड़ी आबादी इस देश में, पिछड़ों की आबादी है, उनके अधिकारों को कैसे छीनने का काम कांग्रेस नेता इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, कल के घटना से जाहिर हुआ है। हाईकोर्ट ने भी प्रमाणित करने का काम किया है। जो तृणमूल कांग्रेस ने जो 2010 में जो निर्णय लेने का काम किया है, किया था, और जो अधिकारों को छीनने का काम किया था, वो घृणित कार्य करने का काम किया था, और उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को ठुकराने का काम किया, पिछड़ों के अधिकार को देने का काम किया है। लेकिन उस निर्णय को भी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, हाईकोर्ट के भी निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका भी अवमानना करने का कोशिश कर रहा है। जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी कोई भी निर्णय होते तो सबों के सहमति से होते हैं, और कुछ शिकायतें आई थी उसके आधार पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण का जवाब बहुत लोगों ने दिया है, बहुत लोगों का मिलने वाला है, तत्पश्चात देखा जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे समाचार पत्र में जो भी समाचार जाते हैं मीडिया के माध्यम से जाता है, और वो समाचार रांची से लीक नहीं हुआ है। आप पेपर कल पढ़ेंगे, प्रभात खबर देखें, एक धनबाद से और एक जमशेदपुर से समाचार छपी है। अब वहाँ से लोग, उन्हें कैसे पेपर को दिया है, किसने दिया है, वो जांच का विषय है, वो बाद में पता चलेगा। उन्होंने आप पर सीधा आरोप लगाया कि आप तानाशाही रवैया आपका। अगर यदि मैं तानाशाही हूँ तो आरोप लगाने वाले क्या है? तो सामंतवादी सोच वाले लोग होते हैं, गरीब को, पिछड़े को इस प्रकार से अपमानित करने का काम जब भी अवसर मिलता है करने का काम करते हैं। इस संबंध में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। नहीं, कोई प्रभाव क्या पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जो सवाल के जो जवाब आए, स्पष्टीकरण के जो जवाब आए हैं, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता बैठ के विचार करेंगे। अरे, मेरे घर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है क्या? कि मेरा जसवंत जी से मेरा कोई खुनस है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जो होता है निर्णय, उसको हम लोग अनुपालन करने का काम करते हैं। प्रारंभ काल से ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस को करना था, लेकिन लगातार
लगभग 70 वर्षों तक इस अधिकार से वंचित करने का काम ओबीसी समाज को करने का काम किया था। लेकिन गरीब बाप का बेटा, एक झूठा मानने वाली माँ का बेटा, भारत माँ का लाल, देश के सुशील प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में कुर्सी पर आसीन होने का काम किया और तभी जाकर के एक पिछड़ों का जो बहुत बड़ा समाज है उनके हक और अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है, पिछड़ा समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जबकि कांग्रेस बार बार झूठी बातें बोल करके पिछड़ा समाज को ठगने का काम किया था, धोखा देने का काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।